फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, मैंने फुल क्रीम दूध लिया हुआ है, 3 कप दूध है, 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, आरारोट, ये दूध को गाढ़ा करने में काम आएगा, वनीला एसेंस लिया हुआ है मैंने, 2 कप मैंने क्रीम ली हुई है, इसे नापा हुआ है मैंने, 8-10 मैंने पिस्ता लिए हुए हैं जिनको मैंने काट के रखा हुआ है, 1 कप मैंने चीनी ली हुई है, इसको मैंने बारीक पीस के रखा हुआ है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दूध को बॉईल करूँगी। एक पैन में हम दूध को बॉईल करेंगे। सबसे पहले दूध को हमें 1-2 बार बीच में स्टर करते रहना है। दूध को बॉईल आने देते हैं। 4 टेबल स्पून दूध हम ठंडा ही इसमें बचा लेंगे। हमें इसमें कॉर्नफ्लोर घोलना है और दूध को हम बॉईल आने देते हैं। दूध को हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। इसमें हम क्रीम को व्हिप करेंगे, इतने बॉईल दूध होएगा। इसमें मैंने एक बर्तन लिया हुआ है, इसको भी मैंने चिल्ड करा हुआ है, इसमें मैंने आइस क्यूब डाली हुई है, इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख के 1/2 से 1 घंटे के लिए चिल्ड करा हुआ है, कोशिश करूँगी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए व्हिप करेंगे। पहले क्रीम को हमने 3 मिनट के लिए व्हिप कर लिया है। अब हम इसमें शुगर मिलाएंगे जिसको हमने पीस के रखा हुआ है। एक कप हमने शुगर लिए हुए जिसको हमने पीसा हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको फिर दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए व्हिप करेंगे। अब हम बची हुई चीनी को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको भी इसी में 2 से 3 मिनट के लिए फिर व्हिप करेंगे। सारी शुगर हमने डाल दी है इसमें। क्रीम को हमने व्हिप कर लिया है। अभी हम इसको आइस पर ही इसी तरीके से छोड़ देंगे। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अरारोट मिक्स करेंगे। तो हमने ठंडा दूध लिया हुआ है, उसमें हमें अरारोट मिक्स करना है। 3 टेबल स्पून हमने अरारोट लिया है। इसमें धीरे धीरे दूध को ऐड करेंगे और इसको एक चलाते रहेंगे। दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें आरारोट मिक्स करेंगे। आरारोट को हमें एक साइड में धीरे धीरे स्टर करते हुए डालना है ताकि ये तली में ना लगे। अब हमें गैस को ऑफ करना है। हमें इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से चलाना है। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, हमें इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। दूध ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें व्हिप क्रीम को ऐड करेंगे और इसको बर्फ पर रख लेंगे। इसको हमने बर्फ पर रख लिया है। हम इसको धीरे धीरे व्हिप क्रीम को इसमें ऐड करेंगे। इसको
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्हिप्ड क्रीम को हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। वन टीस्पून हमने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। वनीला एसेंस हमने इसमें ऐड कर दिया है। हम इसको व्हिप करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक कंटेनर में डाल के 2 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। पहले हम इसको 2 घंटे के लिए जमाएंगे और फिर हम इसको दोबारा व्हिप करके जमाएंगे। हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखकर जमने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसको फ्रीजर में 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जमने के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार फिर से ग्राइंडर से कर लेंगे, ग्राइंड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। दो से तीन मिनट के लिए हमने इसको और ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए जमने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए हम जमने के लिए छोड़ देंगे। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम हमारी जमकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। गार्निश करेंगे। आइसक्रीम हमारी सर्व कर दी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।